फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हो प्रीति, दोस्तों को एक बार हाय बोल दे। हाय तो दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक, वीडियो काफ़ी मस्त बनने वाला है। तो आज होने वाली है हमारे घर में साफ़ सफाई और गोबर से लिपा जाएगा हमारे घर में। तो चलो दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर कैसे लिपते। जैसे कि यहाँ पर देख लो, मेरे घर के अंदर खड्डे पड़ गए बहुत सारे, नीचे काफ़ी सारे खड्डे पड़ गए क्योंकि अभी 2 महीने से हम यहाँ से गोबर से लिप नहीं पाए। क्योंकि अभी जैसे कि हमारे यहाँ जातर वगैरह ऐसा कोई मतलब रूल रहता, 2 महीने तक घर के अंदर कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमने 2 महीने से ये घर में लिपा था, नहीं तो पूरा खड्डे खड्डे हो गए। क्योंकि गाड़ी में बाहर नहीं रखता हूँ दोस्तों, अपनी टू व्हीलर गाड़ी है ये, घर के अंदर रखता हूँ तो स्टैंड पे खड़ी करता हूँ तो खड्डे पड़ जाते हैं, जो गोबर से लिपा हुआ रहता वो उखड़ जाता। तो फाइनली प्रीति की मम्मी गई थी आज गोबर लेने के लिए। तो दोस्तों देख, तो गोबर ले आए आज ये, तो इसमें मिट्टी मिलाएंगे और इसके बाद घर में लिपेंगे। शायद आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा, बाहर से होंगे तो नहीं पता होगा। तो ये भैंस का गोबर है और इससे मिट्टी मिला के और घर में लिपेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन पास में आ रही है तो थोड़ा साफ़ सफाई तो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी लिप देंगे, थोड़ा मस्त हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल में प्रीति की मम्मी कपड़े धो रही है, देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पर कपड़े धो रही। कपड़े धोने के बाद फिर गोबर से लिपेगी, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह गांव में घर को लिपा जाता है। तो बने रहना आप। चलो मैं तब तक खाना खा लेता हूँ, खाने में क्या बनाया देखता हूँ। चलो तो दोस्तों, खाने में गेहूं की रोटी है और सब्जी है पत्ता गोभी दोस्तों। तो चलो खा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली निकाल दी है गोभी, इतनी ही खाऊंगा, थोड़ी सी मैं मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं खाता हूँ दोस्तों, एक ही रोटी खाऊंगा। तो एक रोटी और पत्ता गोभी खा लेता हूँ। तो चलो खा लेता हूँ, आप करो वेट और दिखाते हैं फिर अपने घर में साफ सफाई होगी। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया। और इस तरफ एक बात बताना भूल गया मैं दोस्तों आपको, ये दुकान देख सकते हो, अपनी दुकान बिल्कुल खाली हो गई। क्यों खाली हो गई दोस्तों पता है आपको? यहाँ गांव में, हमारे गांव में क्या होता है पता दोस्तों? कोई भी सामान लेने आता है उधार लेके चले जाता है, और पैसे मांगने के टाइम पे बोलते खा के पैसे जा रहे थोड़ी, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा उधार हो चुकी, और 2 बार अपना दुकान का गल्ला भी चोरी हो गया। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया, तो मैंने दुकान ये बंद कर दी। सिर्फ ये प्रीति के खाने के लायक सामान बचा है बस इतना सा, तो दुकान मैंने बंद कर दी वापस। और अपना दोस्तों ग्रीन पर्दा काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। तो इसको अभी मैं खोलूँगा और प्रीति की मम्मी को बोलूँगा धोने के लिए, क्योंकि कपड़े धो रही है अभी, तो साथ में ग्रीन पर्दा भी अपना धो देगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलो मैं इसको खोल लेता हूँ एक बार। देख सकते हो मैंने ग्रीन पर्दा खोल दिया है, ये है अपने हाथ में। तो इसको मैं धुलवा लेता हूँ प्रीति की मम्मी से, तो ज़्यादा ख़राब हो गया तो अच्छा हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। और प्रीति झूले में रो रही है, देख सकते हो। अभी पूरा घर का साफ़ सफाई चल रहा है क्योंकि रक्षाबंधन पास में आ गई, तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों एक गांव में। तो बस ये साफ़ सफाई है हमारे गांव में, इस तरह घर को लिपना पोछना झाड़ू लगाना, कलर वगैरह तो नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। क्या कर रहा बेटा, क्या कर रहा? परी झोली में सोई है, इसकी मम्मी काम कर रही है दोस्तों। ये हमारे गांव की, हमारी लाइफ इस तरह रहती है दोस्तों गांव में रहने। तो दोस्तों एक बात नहीं बताई आप लोगों को, मैं जो मुर्गी को बेचने की बात कर रहा था, वो मुर्गी ने फिर से अंडे रख दिए और वापस बच्चे निकालने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी ये 10 या 15 दिन में वापस बच्चे निकालेगी, देखते हैं अब की बार क्या करती है, बच्चे को मार देगी या फिर जिंदा रखेगी, देखते हैं। तो अपनी मुर्गी ने वापस अंडे रख के और बैठ गए हैं बच्चे निकालने के लिए, देख सकते हो। ये काफ़ी गुस्सा हूँ इसके ऊपर मैं, पहले वाले बच्चे सब मार दिए इसने, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या होता है आपकी बार। तो दोस्तों देख सकते हो मिट्टी के घर में कितनी सारी मिट्टी उठती रहती है, बहुत गंदा हो गया यहाँ पर, देख लो ये पूरी खुदाई हो चुकी है ये। तो ये खुदाई में भी गोबर से लिपेंगे और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उठ रही है यहाँ पर, देख सकते हो। इस वजह से अपना पर्दा ख़राब हो जाता है। तो देख लो सेटअप की क्या हालत हो गई, अभी फ़िलहाल में बहुत बुरी हालत है। तो अभी साफ सफाई चल रही है ये, और हमारी प्रीति ने नहा लिया है। बहुत सारी मिट्टी उठती यार, बहुत परेशान हूँ ऐसे घर से, तुम क्या करें यार दोस्तों।
ये मिट्टी ले आए हैं, और यहाँ पर भी खड्डे देखो दोस्तों, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी रख करता हूँ मैं, इस वजह से खड्डे ज़्यादा बड़े बड़े हो गई है। तो अभी ये लिपने के बाद काफ़ी मस्त हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ फिर आप लोगों को। तो देख लिया कितनी सारी मिट्टी उठती रहती है, मिट्टी के घर में बहुत सारी मिट्टी उठती रहती है, और इस वजह से बहुत परेशानी होती, कपड़े भी बहुत ख़राब होते हैं, और अपना सेटअप में भी बहुत सारी मिट्टी जम जाती है, क्योंकि मिट्टी का घर है तो मिट्टी उड़ेगी नहीं दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, बस अब साफ़ सफाई करके और यहाँ पर लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि त्यौहार आ गया पास में, रक्षाबंधन। दोस्तों देख सकते हो कितना सारा मेल निकल रहा पर्दे में से, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मेल निकल चुका है, तो इस पाउडर में अभी इसको भिगो दूंगा और फिर हो जाएगा साफ सुथरा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया पर्दा, तो काफ़ी सारा मेल निकल रहा, देख सकते हो आप, दिखाया आप लोगों को मैंने, तो अब अच्छा हो जाएगा धोने के बाद। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर प्रीति और प्रीति की मम्मी मिट्टी निकाल रही है गोबर में मिलाने के लिए। ये वाली मिट्टी नहीं मिलाई जाती है, बट क्या करें, मिट्टी वो वाली वाइट वाली मिट्टी नहीं है तो ये मिलानी पड़ रही हमको। तो ये मिट्टी गोबर के साथ मिला के, और इसके बाद प्रीति की मम्मी और लिपे के घर में पूरे में, और दोस्तों ये है गोबर, इसके साथ ये मिट्टी मिलाएंगे और फिर लिपेंगे। दोस्तों फाइनली देख लो, प्रीति की मम्मी गोबर से लिपना चालू कर गया घर में, और प्रीति पानी डाल रही है, इसकी मम्मी की हेल्प कर रही है। तो प्रीति रहने दे, तू बेटा तू आ जा, तू रहने दे, मम्मी कर देगी। तो प्रीति भी लिपने की कोशिश कर रही है इसकी मम्मी के साथ, देख लो हेल्प करने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ किस तरह गोबर से लिपा जाता है घर में, एक गांव में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो प्रीति मिट्टी ले जाके इसकी मम्मी को दे रही है, और इस तरह गांव में एक घर में त्यौहार के टाइम में लिपा जाता है गोबर से। तो देख सकते हो ये प्रीति की मम्मी यहाँ पर गोबर से लिप रही है। तो प्रीति इसको, इसकी मम्मी को परेशान कर रही है। तो दोस्तों इस तरह आप एक गांव से होंगे तो आप लिपते होंगे ज़रूर, बाहर से होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा कि गोबर से भी लिपा जाता है। तो यहाँ पर गांव में हम गोबर से लिप रहे हैं घर में। हाय, देख लो यार। अभी काला काला लग रहा आपको, फिर ये सूखने के बाद काफ़ी मस्त लगने लग जाएगा। और बेल का गोबर नहीं है दोस्तों, ये भैंस का गोबर है, इसलिए थोड़ा काला ज़्यादा है। मेरे से पहले लिखना नहीं आता था। तो गोबर आधा कर दिया प्रीति की मम्मी ने, आधा लिप दिया है शायद, ऐसा लग रहा है, जाकर देखना पड़ेगा। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ दोस्तों। अभी ये एक रूम है और एक इधर रूम है, ये भी बाकी है, तो दोनों लिपना बाकी है, तो एक घंटा लग जाएगा। क्यों प्रीति नहीं लगेगा, लाइट भी नहीं है, लाइट भी चले गई। तो दोस्तों अभी प्रीति की मम्मी घर में लिप रही है, और बकरी को खाना अभी तक कुछ भी नहीं दिया, तो मैं जा रहा हूँ अपने कुएं की तरफ घास लेने के लिए, थोड़ा घास ले आऊँ अपनी बकरी को खिलाने के लिए, क्योंकि बकरी भी अपने घर पर है, प्रीति के नाम से हम लाए थे तो बकरी है, तो इसके लिए घास लेने जा रहा हूँ मैं कुएं पे, क्यों अभी घास नहीं डाला हमने, तो मैंने तो खाना खा लिया और काम भी करने लग गए, तो बकरी के लिए घास ले आए थोड़ा सा। तो चलो साथ प्रीति भी आ रही है कुएं की तरफ, देख सकते हो घास लेने। प्रीति अपन क्या लेने जा रहे बेटा? चारा लेने जा रहे बकरी के लिए। क्या चारा लेने जा रहे? इधर घूम के बोल, इधर घूम, हाय बोल। तो दोस्तों हम फाइनली कुएं की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सारा घास है, देख सकते हो आप ये, तो यहाँ से हम निकाल के और ले जाएंगे हमारी बकरी के लिए। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा 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 डेली ले जाता हूँ, हाथ से उखेड़ कर ले जाता हूँ, क्योंकि बारिश से भीगा हुआ है तो हाथ से उखड़ जाता, नहीं तो फिर काटना पड़ता। तो अभी काटूंगा नहीं, उखेड़ के ले जाऊंगा मैं यहाँ से अपने कुएं के किनार किनार में बहुत सारा घास है, तो यहाँ से मैं ले जाऊंगा। तो चलो आप बने रहना, मैं निकाल लेता हूँ घास बकरी के लिए। तो फाइनली मैंने घास निकाल लिया है, देख सकते हो इतना सारा, और वहाँ ऊपर प्रीति निकाल रही है घास, देख सकते हो प्रीति कितना किया घास, इतना सा मैंने कितना सारा कर लिया, तो मैंने हाथ से उखेड़ लिया, और चलो लेके चलते हैं बकरी को देने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने घास निकाल लिया है बहुत सारा अपनी बकरी के लिए, और लेके जा रहे हैं हम बकरी को खिलाने के लिए। तो सुबह
सुबह से अभी तक घास नहीं दिया। तो काफ़ी रो रही थी बकरी, तो मैं सोचा चलो मैं जाकर घास ले आऊँ अपने कुएं की तरफ से। तो देख लो कितना खाने के लिए जल्दबाजी कर रही है बकरी ये। फाइनली दे दिया है घास, इसकी बकरी को खिलाने के लिए लेके जा रही है। कौन सी बकरी को खिलाएगी प्रीति? इधर देख प्रीति, इधर देख। फाइनली देख लो घर पूरा लिपा गया है, मस्त हो गया। अब सूखने के बाद वापस जमा सामान जमा देंगे यहाँ पर। तो दोनों रूम लिप दिए हैं, साफ सफाई कर दिए, और मैं चले गया था थानला। तब तक थानला से वापस आया तब तक यहाँ पर पूरा हो चुका है, लिप धूप के साफ सफाई कर दिया पूरा। चलो दिखाता हूँ कैसा लग रहा है अब। दोस्तों देख सकते हो ये अभी फ़िलहाल में यहाँ पर खड्डा था, तो खड्डे में गीला है अभी फ़िलहाल में। तो अभी ये सूखने के बाद मस्त हो जाएगा वाइट वाइट। तो इस तरह गांव में लिपना पड़ता हमारे को, पूरा गंदा गंदा हो गया। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।